हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू टू योर ऑन स्टडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप सभी की प्रिपरेशन में अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए तो आइए स्टार्ट करते हैं आई कोड एस से आई एस सिविल इंजीनियरिंग के डिजाइनिंग सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो भी लोग डिजाइनिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी डिजाइनिंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर होनी चाहिए और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए सबसे पहले हम आई एस कोड से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कोर्स दिए हुए हैं तो आइए देखते हैं यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कोर्स दिए हुए हैं आई एस कोड नंबर है और टाइटल इसके है कि ये किस में यूज होता है तो फर्स्ट है आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड ये आर सी सी और प्लेन रेनफोर्स कंक्रीट में यूज होता है नेक्स्ट है आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर नेक्स्ट है आई ए एस वन थ्री फोर थ्री नाइनटीन एटी कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्री एस्ट्रेस कंक्रीट पी एस ट्रेस सॉरी प्री एस्ट्रेस कंक्रीट के लिए ये कोड यूज होता है यहाँ देखिएगा जो हम पढ़ते हैं वन थ्री फोर थ्री दिस इज द आई ए एस कोड नंबर एंड नाइनटीन एटी इज द ईयर ऑफ द कोड इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट है वन एट नाइन थ्री टू थाउजेंड टू द क्राइटेरिया फॉर द अर्थ केन्ट डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर नेक्स्ट है आई एस थ्री थ्री सेवन जीरो नाइनटीन सिक्सटी फाइव कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स नेक्स्ट है आई ए एस वन जीरो टू सिक्स टू टू थाउजेंड नाइन गाइडलाइन फॉर द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग जैसे कंक्रीट मिक्स हमने पढ़ा है ये स्टार्ट होता है एम एम फिफ्टीन से एम हंड्रेड तक वेयर एम मिक्स को रिप्रेजेंट करता है और फिफ्टीन जो होता है या ट्वेंटी फाइव या थर्टी ये रिप्रेजेंट करता है कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को जो ट्वेंटी एट डेज में कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है उसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में अगर हम सौ सैंपल टेस्ट करते हैं तो वो स्ट्रेंथ जो पाँच परसेंट से बिलो नहीं आती है तो वैसे स्ट्रेंथ को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं आई एस कोड आई एस वन थ्री नाइन टू जीरो नाइनटीन थ्री द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर नेक्स्ट देखते हैं आई एस एट सेवन फाइव नाइनटीन एटी सेवन ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डिजाइन लोड के लिए है अब इसका देखिए सब पार्ट भी है इसमें पार्ट वन होता है वो डेड लोड के लिए आई एस एट सेवन फाइव पार्ट टू नाइनटीन एटी सेवन है जो इम्पोज लोड यानी जिसे हम लाइव लोड भी कहते हैं नेक्स्ट है पार्ट थ्री विंड लोड के लिए पार्ट फोर स्नो लोड एंड पार्ट फाइव स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं कुछ और भी आई कोड्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है आई एस थ्री एट थ्री नाइनटीन सेवेंटी स्पेसिफिकेशन फॉर द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट एग्रीगेट के लिए जो कोड यूज़ करते हैं वो है नेक्स्ट है वाटर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं आई एस वन टू वन एट थ्री एटी सेवन एंड सीमेंट के लिए हमने ओ पी सी सेमेंट में तीन ग्रेड पढ़ रखा है थर्टी थ्री ग्रेड ऑफ ओ पी सी फोर्टी थ्री ग्रेड ऑफ ओ पी सी एंड फिफ्टी थ्री ग्रेड ऑफ ओ पी सी ये जो थर्टी थ्री फोर्टी थ्री और फिफ्टी थ्री ग्रेड है ये सीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है Uh, तो थर्टी थ्री ग्रेड ऑफ ओ पी सी सीमेंट के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं आई एस टू सिक्स नाइन नाइनटी एटी नाइन फोर्टी थ्री के लिए आई एस वन सॉरी आई एस एट वन वन टू टू थाउजेंड थर्टीन एंड फिफ्टी थ्री ग्रेड ऑफ ओ पी सी सीमेंट के लिए आई एस वन टू टू सिक्स नाइन नाइनटी एटी सेवन आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ये मैथ्स ऑफ मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग है तो अभी हमने जो आईएस कोड पढ़ा उसी से रिलेटेड है अब यहाँ देखिए लिस्ट ए में है फर्स्ट लिस्ट दिखा रहा है आई एस कोड को एंड सेकंड लिस्ट दिखा रहा है उससे रिलेटेड जिसमें हम आई कोड एस यूज़ करते हैं ये तो आप देखिएगा आई एस एट सेवन फाइव ये यूज होता हमने अभी ही देखा है कि डिजाइन ऑफ लोड के लिए तो इसका ऑप्शन ये ए मैच करेगा टू से हो जाएगा अब बी है ऑप्शन कह रहा है आई एस वन थ्री फोर थ्री ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में होता है तो ये फोर से मैच करेगा अब है आई एस वन एट नाइन थ्री ये अर्थ रेसिस्टिंग डिजाइन है तो ये ऑप्शन वन से मैच करेगा एंड नेक्स्ट है एंड द लास्ट आई एस थ्री थ्री सेवन जीरो ये क्या होगा लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर में यूज होता है ये आई एस तो ये क्लियर हो गया आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है एसेसन रीजन है आपका एसेसन एक ये है कि लो हीट सीमेंट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम जो कि बिल्कुल सही है हम लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन में लो हिट सीमेंट ही यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम में ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज होता है और हम जानते हैं कि सेटिंग प्रोसेस के दरमियान ये जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें हीट इवॉल्व होता है तो अगर हम ह्यूज अमाउंट में कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा ही अमाउंट में हमारा हीट इवॉल्व भी होगा जिसकी वजह से हम वहाँ क्रैक्स डेवलप हो सकता है इसीलिए हम लो हीट सीमेंट का यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम में करते हैं अब रीजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अचीव बाय द लो हीट सीमेंट इन 28 डेज जो कि गलत है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज नहीं होता अचीव uh, नहीं करता है ये लो हीट सीमेंट इज ए स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड द स्लोअर रेट ऑफ रिलीज ऑफ हीट बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द लो हीट सीमेंट इज सेम तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन कहता है द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवन पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर क्यूब तो जो हम मोल्ड यूज करते हैं सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए तो वो उसका जो साइज होता है वो सेवन पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर क्यूब होता है अब जो एपरेटर्स यूज करते हैं जिससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं मोल्ड प्रिपेड करने के बाद ये दो मोल्ड uh, प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हम इसके क्यूरिंग के लिए छोड़ देते हैं और सेवन डेज और ट्वेंटी एट डेज में इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो जिस एपरेटर से इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसका नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जिसको हम जनरली यूटीएम बोलते हैं और जो मोल्ड बनाते हैं वो सेमेंट और सैंड का होता है सेमेंट और रेशियो जो होता है वन रेशियो थ्री में होता है वन जो हुआ सीमेंट हुआ और थ्री हुआ वो सैंड हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट में देने के लिए कौन सा एग्रीगेट यूज होता है एग्रीगेट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर पाएंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्यूबिकल एग्रीगेट अब देखिए क्या डिफरेंस हो जाता है राउंडेड एग्रीगेट जो हुआ उसका मिनिमम वाइड होता है एंड मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से वो मिनिमम सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड होता है इसमें गुड कंक्रीट बनाने के लिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरलॉकिंग दीज एग्रीगेट आर नॉट सुटेबल फॉर द हाई एस्ट बट एक दूसरी चीज़ में अगर हम बर्केबिलिटी को देखें तो राउंडेड एग्रीगेट मैक्सिमम बर्केबिलिटी देता है क्यों सेम ही रीजन है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है और वाइट्स मिनिमम होते हैं तो कम सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड होंगे गुड कंक्रीट पेस्ट करने में और अब जिसकी वजह से ये वर्कबिलिटी हाई होती है राउंडेड एग्रीगेट में और स्ट्रेंथ हाई होगा क्यूबिकल एग्रीगेट में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटेनमेंट ऑफ द एयर इन कंक्रीट इज डन सो एज टू इंक्रीज द वर्क्यबिलिटी सेकेंड कहता है इंक्रीज द स्ट्रेंथ थर्ड कहता है इंक्रीज द रेसिस्टेंट टू फ्रिजिंग एंड थ्रोइंग इसका सही आंसर होगा इंक्रीज अब देखिए इंक्रीज द वर्कबिलिटी जो कि बिल्कुल भी सही है इंक्रीज द स्ट्रेंथ तो नहीं हम जहाँ तक कि जानते हैं कि अगर इन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ड्यूरेबिलिटी वर्कबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी बट इन वर्सनी प्रपोर्सनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो ये स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीज द स्ट्रेंथ होगा वो तो गलत आएगा अब थर्ड ऑप्शन क्या है इंक्रीज द रेसिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड तो ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि उसमें वॉइड्स प्रेजेंट होंगे एयर वाइड होते हैं जिसकी वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है एंड में तो ये सही है तो वन एंड थ्री इज राइट तो ये किस ऑप्शन में आता है तो वन एंड थ्री ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द यूज ऑफ सुपर प्लास्टिक साइजर एज एडमिक्सर फर्स्ट क्या कर रहा है इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सेकेंड है परमिट लोअर वाटर सीमेंट रेसियो दे वाई स्ट्रेंथ इज इंक्रीज तो पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये इंक्रीज नहीं करता है लेकिन हाँ लोअर वाटर सीमेंट रेसियो करता है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेसियो इज इन वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर वाटर सीमेंट रेशियो कमेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेगा तो सुपर प्लास्टिक साइजर यूज करने से क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो कमता है देयर वाई स्ट्रेंथ इज इंक्रीज थर्ड है रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट तो ये नहीं ये गलत है इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये भी गलत है सेकेंड ऑप्शन सही है एंड द परमिट द लोअर सीमेंट कंटेंट देअर वाई स्ट्रेंथ इज इंक्रीज तो ये भी आपका गलत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू ओनली तो ऑप्शन नंबर टू किस में है ओनली बी में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन एज पर आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट तो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको तो हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड अंडर एफ सी के वेयर एफ सी के इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्बिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाय द बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पहला क्या कह रहा है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट विदाउट अल्टरिंग द टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी तो ये सही है कोर्स एग्रीगेट हम बढ़ाएंगे विदाउट अल्टरिंग द एग्रीगेट क्वांटिटी तो क्या होगा सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा हमारा तो वाटर रिक्वायर्ड कम होगा और वर्किबिलिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी हमारा अब सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एट द सेम टाइम द करस्पॉन्डिंगली इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रेट ये गलत है कोर्स एग्रेड क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे फाइन एग्रेड क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा वर्किबिलिटी फिर कम देगा तो सेकेंड ऑप्शन गलत है फर्स्ट सही है थर्ड है यूजिंग द राउंड एग्रीगेट अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि राउंड एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो वर्कीबिलिटी क्या होगी इंक्रीज़ करेगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन एंड थ्री तो ऑप्शन नंबर वन एंथ्री किसमें है ए में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विस फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ कौन से फैक्टर है जो वर्क्यूबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेंथ uh, भी ना कम हो तो देखिए ऑप्शन क्या है फाइन एग्रीगेट सेकेंड है क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर फोर्थ है ऑफ कोर्स एग्रीगेट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थ्री एंड फोर थ्री क्या कर रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फोर क्या कर रहा है सेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट तो हमने अभी पढ़ा कि राउंडेड एग्रीगेट ज्यादा वर्क्यबिलिटी दे का तो सेप पे डिपेंड करता है वर्क्यबिलिटी मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट ये भी हमने देखा कि साइज कोर्स एग्रीगेट बढ़ाएंगे तो वर्क्यबिलिटी इंक्रीज करेगी तो इसका सही आंसर है डी थ्री एंड फोर और अगर हम क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर बढ़ाते हैं तो अगर हम वाटर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा अभी हमने ये चीज़ें सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए फाइन एग्रीगेट के बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया है तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टेन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ स्लम कॉमनली एडोप्टेड फॉर द वेरियस कंक्रीट मिक्सर गिवन बिलो लो अब देखिए इसका क्या होगा कंक्रीट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन वर्क रोड वर्क के लिए कौन सा स्लम्प वैली यूज करेंगे ऑर्डिनरी वर्क के लिए तो रोड uh, वर्क के लिए हम ट्वेंटी से थर्टी स्लम्प थर्टी एम के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मैच uh, करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट एम तो ये यही आ जाएगा ऑर्डिनरी आर सी सी वर्क के लिए फिफ्टी टू हंड्रेड एम एम एंड कॉलम रिटेनिंग वॉल के लिए सेवेंटी फाइव टू वन फिफ्टी होता है तो ये हो जाएगा एंड मास कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी एम तो इसमें हो जाएगा ये वाला सॉरी ये तो गलत हो गया देखिए यहाँ मैंने नीचे दे रखा है कंक्रीट फॉर कंक्रीट फॉर रोड वर्क के लिए ट्वेंटी टू थर्टी एम एम ऑर्डिनरी आर सी सी वर्क के लिए फिफ्टी टू हंड्रेड एम एम एंड कॉलम रिटेनिंग वॉल के लिए सेवेंटी फाइव टू वन फिफ्टी एम एम एंड वाइबरेटेड कंक्रीट के लिए ट्वेल्व टू ट्वेंटी फाइव एम एम एंड मास कंक्रीट के लिए ट्वेंटी टू फिफ्टीन एम एम है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्लम्प एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर आर टू डिफरेंट मेजर ऑफ द वर्क्यूलिटी वर्क्यूलिटी मेजर करने के लिए हम स्लम्प एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर दोनों यूज करते हैं फॉर द स्लम्प ऑफ जीरो टू ट्वेंटी एम एम वट इज द इक्वेलेंट रेंज जॉब कॉम्पैक्शन फैक्टर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट टू जीरो अब देखिए हमने रेंज यहां पे दे रखा है स्लम्प के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर के कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है जीरो से ट्वेंटी फाइव अगर स्लम वैल्यू है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर इसका क्या होगा जीरो पॉइंट सेवन एट टू जीरो पॉइंट एट जीरो ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव के बीच में होगा जीरो पॉइंट एट फाइव टू जीरो पॉइंट एट सेवन फिफ्टी टू हंड्रेड स्लम वैल्यू के लिए होगा जीरो पॉइंट नाइन टू से जीरो पॉइंट नाइन थ्री फाइव एंड हंड्रेड टू वन फिफ्टी एम एम स्लम वैल्यू के लिए आएगा कॉम्पेक्शन फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू जीरो पॉइंट नाइन सिक्स अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ ए पी फोर वन फाइव इन स्लैब अब हम मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में हम कितना यूज करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट वन टू परसेंट और कॉलम के, तो के केस में देखे जाए तो मिनिमम क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट एट परसेंट और पेडिस्ट्रल के केस में देखा जाए तो इसका हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लिमिट ऑफ परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट इन ए कॉलम अभी हमने कहा कि कॉलम के लिए क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट एट परसेंट मैक्सिमम क्या होता है सिक्स परसेंट के लिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट एट परसेंट टू सिक्स परसेंट आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन द रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी सिक्स नंबर ऑफ बार यूज करते हैं अगर हम स्क्वायर पर सेक्शन की बात करें तो इसमें फोर यूज करते हैं और सर्कुलर करेंगे तो ये मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने हो जाएंगे लॉन्ग बार बस सिक्स हो जाएंगे अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वर्क्यूलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमने ये ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया वर्क्यूलिटी ऑफ कंक्रीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एट टाइम ऑफ ट्रांजिट जैसे देखिए टाइम जैसे ही जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा वर्क्यविलिटी कंक्रीट की कम होते जाएगी अगर हम ऑप्शन बी और सी की ओर देखें तो वाटर सीमेंट रेशियो है वाटर सीमेंट रेशियो हमने पहले ही देखा कि अगर इंक्रीज करेगा तो वर्क्यूबिलिटी इंक्रीज़ करेगी एयर इन द मिक्स भी इंक्रीज करेगा तो वर्क्यबिलिटी इंक्रीज करेगी तो अगर सिंपली अगर हम देखें तो वर्क्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सेमेंट रेशियो द एयर इन द मिक्स एंड द साइज ऑफ द एग्रीट साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वर्कुलिटी इंक्रीज करते जाएगी रीजन आपको पता है ड्यू टू द सर्फेस एरिया एंड द इनवर्स वर्क्यूलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो एंड द ग्रेडिंग ऑफ द कंक्रीट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो भी अगर इंक्रीज करेंगे तो वर्कुलिटी डिक्रीज़ करेगा एंड इसका जो ऑप्शन भी हमने सही ऑप्शन देखा है टाइम ऑफ ट्रांजिट अगर टाइम ऑफ ट्रांजिट इंक्रीज करेंगे तो वर्क्यूलिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर सेमेंट रेशियो बिल्कुल भी नहीं वाटर सेमेंट रेशियो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा वर्किलिटी तो इंक्रीज करेगी लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन द फाइनेस ऑफ सेमेंट तो ये सही है फाइनेस ऑफ सेमेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि उससे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ़ द कंक्रीट यू सॉरी इंक्रीज़ करेगा क्यों इंक्रीज करेगा क्योंकि अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सही से होगा और जिसके कैमिकल uh, रिएक्शन सही से होगा जिसकी वजह से स्ट्रेंथ हमें सही मिल पाएगा थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं अगर क्यूरिंग टाइम हम बढ़ाते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करता है क्यों इंक्रीज करता है क्योंकि जो केमिकल प्रोसेस होता है सेटिंग टाइम के सेटिंग no, ड्यूरेशन uh, के टाइम सेटिंग टाइम के ड्यूरेशन के टाइम वो सही उसको प्रॉपर वाटर मिलते रहेगा और सही से प्रोसेस होगा जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेगा डी ऑप्शन क्या रहा है डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट अगर हम एग्रीगेट का साइज डिक्रीज करते हैं तब भी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटीन इंक्रीज इज द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा तब रिड्यूस द स्ट्रेंथ बिल्कुल अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेंथ क्या होगा डिक्रीज करेगा एंड बी ऑप्शन क्या कर रहा है इंक्रीज द स्ट्रेंथ नहीं मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करने पे स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो ये तो गलत हो जाएगा डू नॉट चेंज द स्ट्रेंथ नहीं बिल्कुल चेंज करता है स्ट्रेंथ तो ये भी गलत है एंड तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिड्यूज द स्ट्रेंथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई सीमेंट हैज तो हाई एलुमेना तो क्या करेगा ऑप्शन ए देखिए हाइयर द इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर द फाइनल सेटिंग टाइम बिल्कुल सही है क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है और बट फाइनल सेटिंग टाइम सेम ही रहता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फाइनल ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट इफेक्ट ओनली द ईयरली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इसका uh, बिल्कुल सही है क्योंकि अगर सॉरी इसका अगर फाइन फाइनल ग्रेडिंग होगा तो सर, क्या हो जाएगा आप ऐसे भी एलेवेंथ ट्वेल्थ में हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा तो क्या हो जाएगा इफेक्ट ओनली द ईयरली डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि फाइनल स्ट्रेंथ तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा वो बिल्कुल सेम ही रहेगा आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्वेंटी इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम बिल्कुल भी नहीं स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्री होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर बी स्टील इज लोअर देन द कंक्रीट क्योंकि स्टील का वन पॉइंट एट हो गया और कंक्रीट का थ्री हो गया अब क्यों ये वेरी करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्योंकि देखिए स्टील क्या होता है ये हम इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर uh, करते तो वहाँ पे हम इसके क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से करते हैं तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में हम कम लेते हैं लेकिन कंक्रीट का क्या होता है ऑन साइट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बनाते हैं तो इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ज़्यादा लेते हैं क्यों क्योंकि हम सही से इसके क्वालिटी पर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट क्या कहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर सेम ही है फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन द इ्ड स्ट्रेस बिल्कुल हमने वो कर्व आपने पढ़ा ही होगा जिस पे हम देखे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किससे निकालते हैं इल्ड स्ट्रेस पर निकालते हैं लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन एंड फोर तो देखिए कौन से ऑप्शन में वन एंड फोर आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर बी है अब आइए देखते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू इफ द डेफ ऑफ द एक्चुअल न्यूचुरल एक्सिस इन द बीम इज मोर देन दफ़ द क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस बिम इज कॉल्ड तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओवर रेनफोल्स बिम अब देखिए हम अगर ये बिम बनाए हैं अगर ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल एक्सिस तो ये क्या कह रहा है कि एक्चुअल नेचुरल एक्सिस ऑफ बीम इज मोर देन द क्रिटिकल एक्सिस तो ये अगर क्रिटिकल एक्सिस है और ये एक्चुअल एक्चुअल सॉरी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है उसका डेफ्थ अभी ज़्यादा हो जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा एक्चुअल वाला तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब स्ट्रेस ज़्यादा किस में डेवलप्ट हो रहा है ऊपर का सेक्शन क्या होता है कंक्रीट का है नीचे हमने ये देखते हैं स्टील का होता है तो अगर ये यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है इट मीन्स कंक्रीट में स्ट्रेस जो पहले अचीव किया है इट मीन्स क्या है एनफोर्समेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से कंक्रीट ने पहले अपना स्ट्रेस अचीव कर लिया है तो क्या हो जाएगा ओवर एनफोर्स बिम ऑप्शन नंबर सी अब नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखते हैं मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर आई एस फोर फाइव सिक्स नाइनटीन सेवेंटी एट सेल बी टेकन एज तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू थाउजेंड किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाए क्वेश्चन मार्क्स आ गया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो ये लास्ट था अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग